मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हमने यहाँ आए हैं स्माइल गोड के अंदर, जहाँ हम देख रहे थे काफ़ी दिनों से इन लोगों के साथ जुल्म खत्म हो रहा था। ये लोग 30 साल से यहाँ मुकीम हैं, 30 साल से कोई मालक नहीं उठा, किसी ने कोई दावेदार नहीं सामने आया, लेकिन 30 साल जब ये रह रहे हैं अपनी जमा शुदा पूंजी जिंदगी की जो है अपने यहाँ लगा दी, और आज जो है एक कोर्ट का ऑर्डर लेके तो इनको इलाके को मुसमार करने के लिए आगे। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक जो प्रोग्राम चल रहा है अकलियतों का, खसूसन क्रिश्चियनों को टारगेट करने का, ये उसका एक हिस्सा है। तो याद रखिए, अगर आप जो भी ऑर्डर जारी करते हैं मौजूद अदालत, मैं उनसे अपील करूँगा कि खुदारा ये तो देख लें कि ये लोग जो गरीब लोग बैठे हुए हैं, मजबूर लोग बैठे हैं, इन्होंने तो अपनी जमा शुदा पूंजी जो है सारी यहाँ पे लगा दी। आप इन 200-300 घरों को, इसका मतलब है कि आप 2500-3000 लोगों को क्या कर रहे हैं, सड़क पर ला रहे हैं। तो ये जो कि सरासर जुल्म है। क्या गोरा कब्रिस्तान कराची के अंदर काबजी नहीं बैठे हुए? पूरा आधे से ज्यादा जो है काबजी पे बैठे, उसको तो कोई खाली नहीं करवा रहा। यहाँ जो है 4 चर्चेज हैं और एक कसीर तादाद में गरीब आवाम बैठी हुई है। तो आप जो है उसको क्या कर रहे हैं, मुसमार करने के लिए आ रहे हैं, जो कि ये ज्यादती है। और अफसोस की बात यह है कि पुलिस, इलाका पुलिस जो है अपने सरकारी गुंडों के साथ यहाँ आई है और बेदरेक फायरिंग की गई है और बेदरेक आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काबिले मुज़म्मत है। मैं कहता हूँ कि ये पुलिस इतनी अगर दलेर है तो उन इंक्रोचमेंट वालों की तरफ क्यों नहीं जाती, जहाँ मच्छर कॉलोनी के अंदर जहाँ डंपरों को आग लगा दी, पुलिस मोबाइलों को आग लगा दी, किसी की वहाँ गिरफ्तारी तो हुई नहीं, जबकि वहाँ पूरा रैकेट चल रहा है। वहाँ तो ये तो गरीब लोग हैं और इनके ऊपर आप जो है गोलियां बरसा रहे हैं और फिर उल्टा उनके खिलाफ झूठी FIR काट रहे हैं। और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये लोग जिनके खिलाफ FIR काटी गई है, इस FIR को बिल्कुल वापस लिया जाए, और जिन पुलिस वालों ने सरकारी मद के अंदर ज्यादती की है, सिविल कपड़ों में आके अपने गुंडों के साथ आके फायरिंग की है, आंसू गैस के शेल पे किए हैं, उनके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए, ना कि ये लोग हत्ते लोग अपने जायदादों को बचाने के लिए बाहर निकले हैं। इसका मतलब यह है कि पुलिस आई है और इलाकों को मुसमार कर देती है और इज्जत करके खड़े होते हैं, तो ये शर्म की बात है। अगर ये अपना दिफा कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ FIR काट रहे हैं। लानत ऐसी पुलिस के ऊपर जो इन गरीबों और नहत्ते लोगों पर फायरिंग कर रही है। और याद रखें, पूरी मसीही कौम, हम इस इलाके की बात अब नहीं रहेगी, ये बात हम इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे और ये बात हम पूरे मुल्क में लेके जाएंगे, और हम देखते हैं कि किस तरीके से इस इलाके को खाली किया जाता है।